लेकिन जो हिलाली साहब ने फरमाया, मैं उस वक्त तो उन्हें नहीं इंटरप्ट कर पाया, लेकिन मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसा नहीं कि मजमूई तौर पर कोई अमरीकी नवाज़ मीडिया है या अमरीका को ग्लोरीफाई करता है या अमरीका की हेजमनी को दुनिया में थोपना चाहता है या अमरीका के सामने सरबसजूद होता है या अमरीका के ढाए हुए मजालिम पर बात नहीं करता। मैंने ही अफगानिस्तान में जाके अमरीका के जुल्म और बर्बरियत को किस तरह दिखाया था, ये देखिए। और फिर ब्रेक पे, और मैं इस वक्त मौजूद हूं अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत और दुनिया के मारूफ शहर काबुल में। एक घर के ऊपर अमेरिका ने ड्रोन हमला किया, उसमें 10 लोग थे, शहीद हुए थे, उन 10 में से 7 बच्चे थे। ये खून के धब्बे दरअसल अमेरिका के चेहरे पर हैं। जितने व्हीकल्स हमें रास्ते में नजर आए, अक्सरियत जो है वो नकारा है। 24 साल पहले इनके शौहर के सर में गोली लगी, वो आज तक 24 साल से एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं, या तो जंग में जख्मी हुए या वो जंग में मासूर हुए हैं। हमारे बहुत मुश्किल है इधर, घरों पे बमबारी हुई, बमबारी हुई, हम सब छोड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।